Subscribe Black Magic Film Studios for 3 new videos every week. Click on the bell icon and never miss a video from Black Magic Film Studios. दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ भूतहा जगहों के बारे में। लखनऊ के भूतिया रेलवे क्वार्टर्स। लखनऊ में स्थित रेलवे क्वार्टर्स को उत्तर प्रदेश की सबसे भूतहा जगहों में से एक माना जाता है। दरअसल ये रेलवे क्वार्टर एक ब्रिटिश इंजीनियर बिल टर्नर का घर था। टर्नर की शादी एक बेहद सुंदर ब्रिटिश युवती के साथ हुई थी और वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। पर जब उसे पता चला कि उसके बीवी के नाजायज संबंध एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर के साथ हैं, तो वो गुस्से में पागल हो गया और फिर उसने उन दोनों की हत्या करने के बाद रेलवे क्वार्टर्स के अंदर आत्महत्या कर ली। और इस घटना के बाद से उन रेलवे क्वार्टर्स में अक्सर रात के वक्त लोगों को एक ऊंचा सा ब्रिटिश आदमी मंडराते हुए दिखता है, जो फिर अचानक से गायब हो जाता है। और इस तरह की कई भूतह घटनाओं का अनुभव रेलवे क्वार्टर्स के अंदर लोगों ने किया है। गोविंदपुरम की भूतह सड़क। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में एक भूतह सड़क है। सालों पहले इस सुनसान सी सड़क पर कुछ गुंडों ने मिलकर एक लड़के की हत्या की थी और इस घटना के बाद से कई लोगों ने रात के वक्त इस सड़क से गुजरते हुए उस लड़के की आत्मा को देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि ये आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर इसे देखने वाला बहुत डर जाता है। कानपुर का भूतह कब्रिस्तान। कानपुर के सिविल लाइंस इस इलाके में एक भूतह कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान को ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, पर आज ये कब्रिस्तान एक पुराना सा खंडहर बन चुका है। और लोगों का कहना है कि इस इलाके में रात के वक्त एक सरकटे आदमी की आत्मा मंडराती है और कई लोगों ने इस सरकटे आदमी की आत्मा को देखने का दावा किया है। बलरामपुर का भूतह अस्पताल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर इस इलाके में एक अस्पताल है, पर यह बड़ा सा अस्पताल एक पुराने से कब्रिस्तान पे बना है। और इस अस्पताल में उन लोगों की आत्माएं बसती हैं जिनकी कब्रें यह अस्पताल बनाते वक्त नष्ट की गई थी। कहा जाता है दिन हो या रात इस जगह पर कई भूतह घटनाओं का अनुभव किया जा सकता है। विद्युत उपकरण अपने आप चालू या बंद हो जाना, किसी के कदमों की आहट सुनाई देना और कमरों के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद या फिर खुल जाना, रात के वक्त अचानक से विचित्र आवाजें आना, ऐसी कई अजीब सी घटनाएं इस जगह पर घटती हैं। सिकंदराबाद की आत्माएं। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद इस इलाके का नाम भारत के इतिहास में दर्ज है। कहा जाता है इस जगह पर ब्रिटिश सैनिक और भारतीय स्वतंत्र सेनानियों के बीच घमासान लड़ाई हुई थी और इस संघर्ष में 72 ब्रिटिश सैनिक और 2300 स्वतंत्र सेनानियों की मौत हुई थी। मौत के बाद इन स्वतंत्र सेनानियों की लाशों को अंतिम विधि भी नसीब नहीं हुई थी। शहीद भारतीयों की इन लाशों को यूं ही सड़ने के लिए छोड़ा गया था। कहा जाता है इन्हीं बदकिस्मत लोगों की आत्माएं इस जगह पर मंडराती हैं। लोगों के मुताबिक इस जगह पर विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो सड़ती हुई लाशों को चलते फिरते देखा है। दोस्तों, तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ भूतह जगहें। और अगले वीडियो में आप किस राज्य की भूतह जगहें देखना चाहेंगे, ये मुझे कम्युनिटी टैब में वोट करके या फिर इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे
ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।